हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये बालाजी पब्लिकेशन बुक से हैं, मैं बालाजी पब्लिकेशन बुक से हल करा रहा हूँ। पीछे भी हल कराया है और आगे भी उसी से हल कराऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभ्यास लिखा हुआ है। अभ्यास प्रश्न 8.1, निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin 3x। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसे आपको लिखना है। माना वाई बराबर sin 3x। इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले उसे आपको वाई के बराबर मान लेना है। चाहे जो भी क्वेश्चन दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हो क्वेश्चन, उसे आपको वाई के बराबर मान लेना है। और फिर यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, मैं लिख रहा हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन जब आप लिख देंगे इतना कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा d/dx y = d/dx sin x। साइन एक्स मतलब sin 3x, आपको इतना लिखना पड़ेगा। जब आपने इतना लिख दिया तो मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, सूत्र क्या, समझो नियम है। वो नियम क्या है, सबसे पहले अगर अवकलन करेंगे हम तो घात का करेंगे, उसके बाद फलन का करेंगे, और उसके बाद फिर हम कोण का करेंगे। ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, अन्यथा आपको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है, बेस है, वो मैंने पहले वीडियो में बताया है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर देखिए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं घात दिया है। यहाँ पर आपको dy/dx का मान निकालना है, तो मैं लिख लेता हूँ dy/dx बराबर, आपको यहाँ पर dy/dx निकालना है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको घात का अवकलन करना है, उसके बाद फलन का, उसके बाद कोण का। क्या आप देख सकते हैं इसमें कहीं घात लिखा है, नहीं घात नहीं लिखा। उसके बाद क्या आप कह सकते हैं इसमें फलन है, हाँ भाई फलन तो है। फलन है क्या है, sin 3x, ये फलन है। कोण है, हाँ भाई कोण है, ये इतना कोण है। मतलब इसमें सिर्फ दो चीज़ है, फलन है कोण है, घात नहीं है। तो घात नहीं है तो हम घात का अवकलन नहीं करेंगे, जो नहीं है उसका अवकलन नहीं करेंगे। तो चलिए इसका अवकलन हम कैसे करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि अगर कहीं पर भी d/dx sin x लिखा हो तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। मैंने बताया था कि नहीं, cos x हो जाता है। तो अगर आप सोचिए कि कहीं पर भी लिखा हो d/dx, ये सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, d/dx अगर कहीं पर लिखा हो sin 3x तो उसका सीधा हो जाएगा cos 3x। मतलब उसके कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो यहाँ पर 4x हो जाता, अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो 5x हो जाता। अब जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ sin 3x, मतलब यहाँ पर 3x है, तो 3x है तो हमने 3x कर दिया सीधा 3x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं सीधा क्या, cos 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पर फलन का अवकलन हो चुका है, फलन का अवकलन हो गया तो अब आपको कोण का अवकलन करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं dy/dx 3x, क्या लिख सकते हैं 3x। तो चलिए इसके आगे हम हल करते हैं। इसके आगे फिर क्या होगा, dy/dx = cos हो जाएगा cos
3x। उसके बाद मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो वो फार्मूला क्या होता है, अगर कहीं पर भी अचर पद हो मतलब गिनती हो, जैसे कहीं लिखा हो 3x या लिखा हो कुछ भी लिखा हो 50 साइन x, तो आपका जो ये आगे होगा, ये आगे होगा वो सीधा बाहर निकल आएगा। क्या होगा, सीधा बाहर निकल आएगा, इसका मतलब (3) हो जाएगा। और x का अवकलन जो होगा वो 1 हो जाएगा, मतलब आपको (1) लगा देना है। x का अवकलन कैसे 1 होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कहीं पर लिखा हो (d/dx) का x, ऐसे लिखा हो जैसे कहीं पर, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए देखिए x लिखा हुआ है, तो इसकी घात हम 1 मान सकते हैं, तो ये x की घात n वाला सूत्र बन गया। और x की घात n वाला सूत्र बन गया d/dx हो गया। और उसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, n आगे आएगा, n जो होगा वो आगे आएगा। और यहाँ पर n कितना है, 1 है, सॉरी बराबर लगा के हल करिए, यहाँ पर n कितना है, n 1 है, और उसके बाद x हो जाएगा। अब एक में से एक एक में n है तो 1 चला जाएगा, और -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। और 0 अगर किसी भी, आप जानते हैं कि अगर 1 x (0) हो गया, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके ऊपर आप 0 देखते हैं तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो यहाँ पर 1 × 1 = 1। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कहीं पर 0 हो, कहीं पर क्या हो, किसी की घात 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। बड़ी क्लास है, इंटर है, आपको बताया गया होगा पहले। तो चलिए हम अब आगे हल कर लेते हैं। आगे क्या होगा, dy/dx बराबर क्या होगा, 3 × 1 = 3, मतलब 3 आगे लिख सकते हैं हम, cos(3x)। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं पुनः इसी पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और उसके बाद हम चलिए फिर अगला क्वेश्चन। अगर हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा। आप पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल समझाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर इसमें भी वही प्रोसेस अपनाना है, सबसे पहले क्या कहना है, माना माना y = e^5x। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसके बाद आपको मैंने बताया है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा dy/dx बराबर क्या कहना है, मतलब दोनों में dy/dx आ जाएगा, इसमें भी यहाँ पर dy/dx आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। तो e^5x आपको ये लिख लेना है। चलिए अगला पन्ना में हम देखते हैं इसे। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है d/dx e^5x। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर x की घात n वाला सूत्र मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये x नहीं है, यहाँ पर e है। और मैंने आपको सूत्र लिखाया है कि कहीं पर भी अगर हो, क्या हो, d/dx e^x हो, e^x हो अगर, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है e^x ही, मतलब अगर e^x हो तो उसका सूत्र, उसका अवकलन वही होता है। तो चलिए हम करते हैं। और यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिए कि ये घात है तो पहले हम घात का अवकलन करेंगे, नहीं, यहाँ पर ये फलन नहीं है, यहाँ पर सीधा ये आपको सबसे पहले e^x जो इसका सीधा फार्मूला दिया हुआ है, तो आपको सीधा इस पे रखना है और कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।
तो चलिए लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आपको क्या करना है कि ये इसकी जो ई की घात एक्स का वही होता है। तो अगर कहीं पर जैसे, और थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर कहीं पर कहीं पर भी जैसे ई की घात, अगर देखिए यहीं पर देख लीजिए, अगर ई की घात एक्स का सूत्र वही होता है तो अगर यहाँ पर थ्री कर देंगे ई की घात थ्री एक्स, तो ई की घात थ्री एक्स की यहाँ भी आ जाएगा। समझिए फिर से एक बार, जैसे कहीं पर भी लिखा हो ई की घात फाइव एक्स, तो इसका कीजिए अवकलन, तो हम इसको पूरे को एक्स मान लेंगे, मतलब ये जो पूरा है ये हमारा एक्स समझो हो जाएगा, तो इसका सीधा हो जाएगा ई की घात फाइव एक्स। तो वहीं पर हम यही चीज़ हम यहीं पर भी लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, सीधा ई की घात फाइव एक्स। अब आपको क्या करना, छोड़ना नहीं है, अभी आपको बचा है घात ये, तो डी बाई डी एक्स इंटू फाइव एक्स ये करना है, फाइव एक्स। अब फिर फाइव एक्स का क्या, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया ही है कि डी वाई डी एक्स बराबर ई की घात फाइव एक्स इंटू फाइव आ जाएगा, सीधा एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, बार बार नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद सीधा इसे क्या लिख सकते हैं, फाइव ई की घात फाइव एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टैन फाइव एक्स, मतलब तीसरा क्वेश्चन है टैन फाइव एक्स, तो इसे कैसे हल करेंगे। इसे भी सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, वाई के बराबर मान लेना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, माना वाई बराबर टैन फाइव एक्स, क्या लिख लेना आपको यहाँ पर, माना वाई बराबर टैन फाइव एक्स। तो अब इसके बाद आपको पुनः वही लिखना है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स टैन फाइव एक्स। तो मैंने आपको फार्मूला लिखाया है क्या, कि टैन फाइव एक्स, टेन फाइव एक्स मतलब टेन का सूत्र क्या होता है, रुक जाइए मैं बता देता हूँ, इतना लिख लूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आपको मैंने टेन का सूत्र क्या लिखा है, सेक सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, इसी प्रकार डी वाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो x का मान पूरा फाइव एक्स है, तो हम यहाँ पर फाइव एक्स रख देंगे और पुनः डी वाई बाई डी एक्स फाइव एक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, डी वाई डी एक्स तो रहेगा ही यहाँ पर, उसके बाद लिख लेना है सेक सेक स्क्वायर फाइव एक्स, उसके बाद इंटू फाइव, सिर्फ इसका फाइव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि अचर पद का अगर जो कहीं पर भी गुणा में अचर पद रहे तो वो आगे आ जाता है। और इसको हम बराबर में कैसे लिख सकते हैं, फाइव सेक स्क्वायर फाइव एक्स, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि ई लॉ ई की घात लॉग ई एक्स, तो इसे भी सबसे पहले लिख लेंगे, माना वाई बराबर ई लॉग ई एक्स, उसके बाद आपको लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब आप ये लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको उसके बाद क्या लिख, आपको उसके बाद लिखना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आपको लिखना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई लॉग ई एक्स, ई बेस एक्स। उसके बाद अब आपको क्या करना है
कि आप जानते ही हैं, अभी जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया कि e की घात x का e की घात x ही हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा सेम टू सेम लॉग ई एक्स। कैसे होगा मैंने फार्मूला में आपको बताया पिछले में, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर से आप पुनः लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स क्या होगा लॉग ई एक्स, लॉग ई बेस एक्स। उसके बाद अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई लॉग ई एक्स इंटू क्या होगा, लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया है कि अगर कहीं पर भी लिखा हो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स तो उसका फार्मूला होता है एक बटे एक्स। क्या होता है बता देता हूँ एक बार फिर से, डी डी वाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स का फार्मूला होता है एक बटे एक्स। ये आपका मतलब सीधा आपको यहाँ पर लिखना है एक बटे एक्स, एक बटे एक्स। तो अब आप इसे सही क्रम में कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिखते हैं एक बटे एक्स ई की घात लॉग ई एक्स, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन मतलब पांचवा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होगी, जो फार्मूला क्या है, ए की घात एक्स बराबर लॉग नहीं सॉरी लॉग नहीं होगा पहले ए की घात एक्स, फिर उसके बाद होगा लॉग ई ए, ई ए, ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान ए है और ई का मान ई ही है, मतलब ई बेस है ई तो ई का ई ही रहेगा। तो इसी फार्मूले पर हम इसे हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे मान लेंगे कि वही मानना है पुराना वाला, माना वाई बराबर ए टैन एक्स, उसके बाद वाई बराबर ए टैन एक्स, अब लिखना है आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको लिखना है डी वाई डी एक्स ए की टैन एक्स, ए की घात टैन एक्स, ए की घात टैन एक्स लिख देना है, ए की घात टैन एक्स हो गया। अब आपको इस वाले फार्मूले पर रख के चलना है, आप ये वाला फार्मूला देखिए कि आपको क्या करना है, आपको देखिए लिखा हुआ ए की घात एक्स, मतलब ए की घात आप टैन को एक्स मानिए, आपको टैन को क्या मानना है एक्स मानना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ एक ए की घात टैन एक्स है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर ए की घात है तो ए की तो पहले ए ही लिख देंगे और एक्स की दर पे आपको टैन लिखना है, क्या लिखना है टैन एक्स, और उसके बाद फिर क्या लिखना है ये वाला ए की घात टैन एक्स, मतलब ए की घात टैन एक्स ही वही हो गया। मतलब आप देखिए सूत्र में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो इधर है वही शुरू में इधर है, तो इसका मतलब जो इधर है वही शुरू में हमें इधर लिख देना है। अब उसके बाद आपको लिखना है लॉग ई बेस ई ही है, ए का मान ए है मतलब ए, अब आपको फिर किसका अवकलन करना है, घात का अवकलन करना है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स टैन एक्स, डी बाई डी एक्स टैन एक्स, डी बाई डी एक्स टैन एक्स हो गया। उसके बाद आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए की घात टैन एक्स लॉग लॉग ई बेस ए इंटू, अब टैन एक्स का अवकलन क्या होता है, टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसे हम सही से लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू ए टैन एक्स लॉग ई बेस ए, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग के जितने मैंने क्वेश्चन बताए सब समझ में आए होंगे सही से।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ इसमें मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको वो पर्सनल क्वेश्चन बताऊंगा। और यदि आपको सब समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, भेजिए, उनको भी कहिए कि पढ़ें, बढ़िया पढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर कमेंट बढ़िया से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।